भाई के आगे पीछे चले कर लूं दो रेडियो सारे दोस्तों मैडम रेडियो अगर यहां आवाज है ठीक है किसी की आवाज ना मैडम शुरू करें अच्छा पीछे भी नहीं बात करना आराम से खड़े होना सारे कपड़े में कौन सा परिंदा रखा हुआ अब करूं बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज दो बातें करनी है एक पहली बात है कि काफ़ी रिएक्शन आ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर जो अली मोहम्मद ख़ान ने कहा है और उन्होंने बात की थी जो उन्होंने इमरान खान का पैगाम दिया था इमरान खान उसकी थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन करना चाह रहे थे कि बिल्कुल वो चाहते हैं कि मुफाहमत हो वो चाहते हैं कि पीस एंड वो जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जैसे नेल्सन मंडेला ने की थी नेल्सन मंडेला ने सुन्नत फॉलो की थी उन्होंने जो नेल्सन मंडेला ने किया था वो इस्लामी तरीका था कि आपने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए लेकिन इमरान खान ने ये क्लेरिफाई किया है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन या जिनके साथ आप बैठ सकते हैं वो है आइडियोलॉजी के ऊपर नज़रिया के ऊपर वो ये उन्होंने कहा था कि जो जिन्होंने चोरी की हो जिन्होंने चाहे मैंडेट चोरी किया हो और जिन्होंने वोट चोरी की हो उनके साथ बिल्कुल मुफाहमत नहीं हो सकती क्योंकि आज अगर ये काम करेंगे तो आपकी जो मुआशरा है उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा और जो इसका मतलब है कि जितने आपके जेल हैं उनके दरवाज़े खोल देने चाहिए और सारे जिन्होंने चोरी की है उनके साथ भी आप ये मुफाहमत कर लें और उनको कहें कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो गई और जेल के दरवाज़े खोल दें और सारे चोरों को निकाल दें तो इसलिए वो उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन जो नेल्सन मंडेला ने की थी आपकी हमारी सुन्नत फॉलो करके वो होना चाहिए लेकिन जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है जिन्होंने आपका जो करप्शन किया है उनके साथ कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नहीं होगी एक ये हो गया पॉइंट दूसरा पॉइंट मैं आपको नम्बल एजुकेशन जो जो नम्बल यूनिवर्सिटी है नम्बल नॉलेज सिटी है उसके बारे में इमरान खान ने कहा आप आके बड़ा इसका पैगाम नहीं दें आप इसके ऊपर सख्त एहतजाज करें कि पिछले एक साल से तकरीबन 9-10 महीने से हमारी एक कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बनने लगा था नम्बल का वो कोई 2000 स्टूडेंट्स के लिए था अकोमोडेशन 180 फैकल्टी मेंबर्स के लिए अकोमोडेशन बन रही थी पूरा शहर की कंस्ट्रक्शन शुरू होनी थी और 9 मई के बाद उन्होंने सारे जो ठेक कॉन्ट्रैक्टर थे उनको भगा दिया किसी को इजाज़त नहीं कि ये बच्चे जो एक फलाई अदारा है जहाँ पे इस वक्त 95% स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ रहे हैं बच्चे और अगर आप कर सकते अगर हमारे पास इस वक्त अकोमोडेशन तैयार होती हम कम से कम 2000 बच्चों को अगले 1-2 सालों में हम उनको एडमिशन दे सकते थे तो अब हमारी कोशिश थी पिछले थोड़े महीनों से कि हम सिर्फ 200 बच्चों के लिए इमरजेंसी में अकोमोडेशन उनकी बना लें ताकि हम सितंबर में उनको उनकी एडमिशन्स कर सकें अब वो अगर किसी ने रोका ये जो 200 बच्चों की अकोमोडेशन है ताकि दो डिपार्टमेंट्स जो बनने जा रही हैं नम्बल नॉलेज सिटी में वो बन सकें तो वो फिर हम चीफ मिनिस्टर का ये ज़िम्मेदारी है कि इस इदारे पे अब कोई सख्ती ना हो अब कोई ठेकेदार को तंग ना किया जाए अगर उनको तंग किया गया तो फिर हम यूनिवर्सिटी के बाहर निकल कर पुरजोर मजम्मत करेंगे चीफ मिनिस्टर की जो इसकी जो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स को तंग करेंगे ये इस पे हम एक किस्म की वार्निंग दे रहे हैं कि इन बच्चों की जिंदगियां ना ख़राब की जाएं ये बच्चों का हक बनता है इस पाकिस्तान में कि उनको तालीम मिलनी चाहिए हमारे ज़हीन बच्चे हैं
और उनके लिए ये जो एक डिपार्टमेंट दो डिपार्टमेंट्स के लिए हम 200 बच्चों की अकोमोडेशन बनाने लगे हैं, अगर किसी ने उनको रोका कॉन्ट्रैक्टर्स को अंदर जाने से या उन पर तशद्दुद किया या उनको धमकियां मिली, हम यूनिवर्सिटी के बाहर पुरजोर मजम्मत करेंगे। ये दो पॉइंट से मैंने आपको आज बता दिया। बहुत बेहतर।